साथियों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं कुंभ राशि के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अगस्त माह के मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। अगस्त का ये महीना कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कैसा बीतेगा, इस महीने को अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं, आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आइए देखते हैं कुंभ राशि के जातकों की इस महीने ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है। तो देखिये, गुरु कुंभ राशि का लग्न में और चंद्रदेव मेष राशि का प्रारंभिक दिनों में आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में रहेंगे। वहीं राहु वृषभ राशि का आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध कर्क राशि का छठे भाव में, मंगल शुक्र सिंह राशि का सप्तम भाव में। वहीं केतु देव की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि का आपके दशम भाव कर्म के भाव में रहेगा। शनि मकर राशि का आपके व्यय भाव बारहवें भाव में रहेगा। तो महीने की जो शुरुआत रहेगी पारिवारिक कलह से ही स्टार्ट होगी, आपका मूड ऑफ हो जाएगा पूरी तरीके से। कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता से इस महीने थोड़ा सा आपको वंचित रहना पड़ सकता है। इस महीने किसी से भी विवाद बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 8 से 15 अगस्त के बीच का समय आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। इस समय आप कुछ अपने जो है मतलब मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और आसपास के माहौल को शांतिपूर्वक तरीके से आप पाएंगे। साथ ही साथ कुछ विशेष लोगों से, प्रभावशाली लोगों से इस महीने आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के कई तमाम मौके मिलेंगे। महीने के तीसरे सप्ताह में पुश्तैनी संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन बिजनेस में पैसा आपका फंस सकता है, इसलिए नया बिजनेस बिल्कुल भी मत शुरू करिएगा। कोई यदि आपसे उधार मांगे तो बिल्कुल कान पकड़ लीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा। वहीं स्टूडेंट्स के लिए यह महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कामकाज में लापरवाही न करने के सितारे सलाह दे रहे हैं। 24 से 31 अगस्त के बीच आपको सूझबूझ से काम लेने के सितारे सलाह दे रहे हैं ताकि नए अवसर हाथ से आपके न निकल जाएं। नौकरी में स्थानांतरण के इस महीने भी योग देखिए बन रहे हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए किए गए आपके जो प्रयोग रहेंगे ये अंत में सफल साबित होंगे। प्रिय दर्शकों, ये ओवरऑल स्थिति थी। अब हम विस्तार पूर्वक चलते हैं, जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, आपके व्यापारिक संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी क्या कहती है, साथ ही साथ पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं। एक छोटी सी डील आप लोगों के लिए है कि मात्र 999 रुपए में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को हमारे संस्थान से अपने ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर मंगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मैसेज के थ्रू ही आप लोग जो है चीज़ों को पूछिएगा और इसमें हमारी आपकी बात नहीं होगी। एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि 18 से लेकर के 20 अगस्त मुंबई आगमन होगा। वहीं 27 और 28 तारीख को हमारा जो है इंदौर आगमन हो रहा है। जो भी दर्शक पटना में मिलना चाहते हैं वो 3 और 4 सितंबर को मिल सकते हैं, शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का ये जो महीना रहेगा ये कैरियर की दृष्टिकोण से मिले जुले फल देने वाला रहेगा। आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके कुंडली में भी ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार आपका ध्यान काम पर ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन आप लोग नहीं लगा पाएंगे। माह के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र में मन भटकेगा। वहीं 8 से 15 तारीख के बीच आपके काम सिद्ध होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, उच्चाधिकारियों से आपकी बात नहीं बनेगी। कोशिश कीजिएगा कि नौकरी में उच्च अधिकारियों का साथ लेकर के चलें। अगर उच्च अधिकारियों से कोई पंगा होता है तो उनके जो है गुस्से का कोप भाजन आप ही को बनना पड़ेगा। माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में सुधार आएगा। अगर परिश्रम और लगन के साथ काम करेंगे तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। माह का उत्तरार्ध व्यवसाय की दृष्टि से बहुत उत्तम रहने वाला है। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ग्रह गोचर ये दर्शा रहे हैं कि यह समय कारोबार में वृद्धि करने वाला रहेगा। ये बात गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, जी हाँ, इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका श्रम थोड़ा भी व्यर्थ नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि व्यापार में जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन नौकरी में थोड़ा सा बचकर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि के जातकों आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो आर्थिक राशिफल अगस्त के अनुसार कुंभ राशि के जातकों, यह जो महीना रहेगा चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा। आमदनी कुछ खास नहीं होगी, इसलिए आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, जिसके चलते खर्चों का प्रबल योग बन रहा है। किसी बेकार की वस्तु पर आप पैसा बर्बाद कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके घर में अगर वो चीज़ है आप उसको फिर भी क्रय कर लेंगे। कोई आकस्मिक खर्च आपके सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। निवेश आदि में भी पैसे का नुकसान हो सकता है, इसलिए पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च करिएगा। वहीं माह के दूसरे सप्ताह में आय में कुछ सुधार होगा और आर्थिक तनाव से थोड़ी सी राहत मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं दर्शकों, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार कुंभ राशि के जातकों, अगस्त का महीना सेहत के नजरिए से अप्स एंड डाउन रखेगा, उतार चढ़ाव वाला साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपको सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं से ग्रसित होना पड़ सकता है। हालांकि किसी गंभीर बीमारी की आशंका नहीं दिखाई पड़ रही है। इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने मस्तिष्क में वासना भरे विचारों को बिल्कुल भी जगह मत दीजिएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि ऐसे नकारात्मक विचारों से और जो कि आपके मन में जो है निगेटिव विचार आ रहे हैं, इनको दूर कर दीजिएगा, आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। जो बाजार में तैलीय पदार्थ हैं, चिकनाई युक्त भोजन है, मिर्च मसाला है, जंक फूड है, इनसे दूर रहिएगा। कोशिश कीजिएगा योग और प्राणायाम को अपने जीवन में उतारिएगा। खास करके भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिएगा, क्योंकि नेगेटिव विचार जब आते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करने की हम सलाह देते हैं, अन्यथा मानसिक रूप से कोई बीमारी से परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन की आपको शिकायत हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा और जरूरी हो तो उचित चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेमी युगले के लिए ये माह जो अगस्त का रहेगा, ये मिश्रित फल देने वाला रहेगा। माह की शुरुआत ठीक रहेगी, रिश्तों में गर्माहट रहेगी, एक दूसरे के साथ आप लोग अच्छा समय व्यतीत करेंगे और संतुष्टि का भाव रखेंगे। लेकिन इसके इतर 10 तारीख के बाद से थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने के आसार हैं। रिश्ते में कड़वाहट ना है, इसके लिए थोड़ा सा विवेक से काम लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। नाजुक समय में अपने व्यवहार को संतुलित रखिएगा, बातचीत में सावधानी बरतिएगा ताकि रिश्तों की गरिमा पर आंच ना आए। व्यर्थ के बाद विवाद बहस से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वहीं कुंभ राशि के विवाहित जातकों के लिए यह महीना सुखद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके जो है खुशी आएगी, आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी, पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद नहीं होगा। तो दर्शकों, ये तो था आपका प्रेम संबंध और आपके जो है वैवाहिक स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पारिवारिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए दर्शकों, पारिवारिक राशिफल की यदि हम बात करें तो इस महीने पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ घर परिवार में किसी के साथ वैचारिक मतभेद आपके उभर करके सामने आ सकते हैं। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, इस महीने किसी पुराने रिश्तेदार के आने से आपके घर का माहौल कुछ दूसरा ही हो जाएगा। साथ ही साथ कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के चलते आप परिवार से थोड़ा दूर रह सकते हैं। जो समय प्रॉपर देना चाहिए परिवार को वो नहीं दे पाएंगे और काम के सिलसिले में भी घर से दूर यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जिससे आप परिवार का सुख नहीं ले पाएंगे। इस दूरी के कारण, यहाँ दर्शकों, इस दूरी के कारण कहीं आप लोगों के बीच में कोई खटास ना है, इसका आपको ध्यान देना रहेगा। और आपके परिजनों को आपसे शिकायत भी रहेगी कि आप लोग हमको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण इस महीने जो है अंत में हो सकता है, लेकिन छोटे भाई बहन ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। आपका और आपके भाई बहनों के साथ संबंध काफी मधुरतापूर्वक रहेगा। तो दर्शकों, अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना रहेगा। देखिए, शनि की 7:30 चल रही है, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करिए। दूसरा दर्शकों, शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, शनिदेव का पौराणिक मंत्र है नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। साथ ही साथ दर्शकों, यदि संभव हो तो शनिवार वाले दिन 2 मुट्ठी चाय पत्ती का दान अवश्य करें। आते हैं इस महीने के शुभ दिवस पर कौन कौन से रहेंगे, तो नोट कर लीजिए 1, 2, 5, 13, 14, 16। फिर से नोट कर लीजिए 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 13, 14, 16, 21, 23, 25 और 28 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं प्रतिकूल दिवस में यदि हम बात करें तो 3 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई, 27 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। वहीं भाग्यशाली रंग की बात करें तो हरा रंग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की आपके यदि हम बात करें तो अंक 4 और अंक 8 आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। तो साथियों, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। एक बात और बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में वर्षा का माहौल चल रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जिसकी प्रिडिक्शन हमने लगभग 2-3 महीने पहले की थी कि जो है भूस्खलन आएगा, बाढ़ आएगी और लोगों की इससे मृत्यु होगी।
कहीं भी मत निकलिए, अभी जहां है वही रहिए। एक बार आप उस वीडियो का अंत देखिए। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दर्शकों देखा आपने, जो भी प्रिडिक्शन की थी 100% सत्य साबित हुई। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और यात्राओं पर कम से कम जाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।